नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटोमी नेटवर्क टीम वॉरियर में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट न्यूज़ है एटोमी इंडिया की ऑफिशियल ग्रुप से आई है। अगर अभी तक आपने एटोमी इंडिया का ऑफिशियल ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कीजिए और आपको और आपकी पूरी टीम को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से टाइम टू टाइम मिलती रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एटोमी इंडिया का लोगो है और यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 17,000 मेंबर्स हैं, सिर्फ आप इसी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, बाकी के ग्रुप फेक हैं, नकली हैं और वो उनको ज्वाइन मत कीजिए, इसी को ज्वाइन कीजिए आप, ओके। तो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता चल रहा है कि एटोमी इंडिया की वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है और 22 जून से एटोमी कोरिया की वेबसाइट से एटोमी इंडिया की वेबसाइट पर डाटा माइग्रेशन का काम चल रहा है। और एज़ पर IDSA की जो गाइडलाइन है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की जो गाइडलाइन है IDSA की, वो एटोमी इंडिया बिल्कुल पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आप अगर इंडिया के अंदर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका जो कंज्यूमर बेस है उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए और उस IDSA की गाइडलाइन के अंडर ही एटोमी आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड एड्रेस ID वेरिफिकेशन करवा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो IDSA की वेबसाइट पे जाइए, रूल एंड रेगुलेशन पढ़िए। उन्हीं रूल एंड रेगुलेशन के तहत एटोमी आपका पैन कार्ड आधार कार्ड KYC करवा रही है, जो कि बहुत ज़रूरी है। कोई भी कंपनी अगर आपके साथ बिजनेस करेगी तो उसका पूरा हक है कि वो अपने यूज़र के डाटाबेस को जानेगी, अपने कस्टमर्स को जानेगी कि कस्टमर्स कि जो गवर्नमेंट ID प्रूफ है वो सही है या नहीं है, क्योंकि कंपनी आपके साथ अगले 100 साल का बिजनेस करने जा रही है। जैसा 100 साल का मतलब ये है कि ये कंपनी आपकी जो ID है वो आपके 3 जनरेशन तक स्टार्ट पास हो सकती है, आपके 3 जनरेशन तक आगे जा सकती है, आपके 3 जनरेशन तक वो ट्रांसफ़र हो सकती है, आपके बेटे और उसके बेटे यानी कि आपके पोतों तक। तो जो कंपनी आपके साथ आने वाले 100 साल का विजन लेकर के आई है और उसके कुछ गाइडलाइंस हैं तो उसको आप फॉलो कीजिए डेफिनेटली, और इंडिया में बहुत बड़ा काम होने वाला है दोस्तों। और 22 जून से जो ID वेरिफिकेशन का काम चल रहा है वो दो तरीके से चल रहा है, जैसे आप सभी को पता है, 14 नवंबर 2019 से पहले की ID का वेरिफिकेशन और 14 नवंबर 2019 के बाद की ID का वेरिफिकेशन। जो ID 14 नवंबर 2019 के बाद की है उनका पैन कार्ड ऑलरेडी सबका वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि पैन कार्ड कंपलसरी था। उनको आधार कार्ड के लिए बोला गया था कि अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से कनेक्टेड है तो आपका OTP आएगा मोबाइल नंबर मोबाइल के अंदर और उस OTP के द्वारा आपका आधार कार्ड का वेरीफाई हो जाएगा, जो कि एटोमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू थर्ड पार्टी के थ्रू ये वेरीफिकेशन करवा रही है। और काफ़ी स्टेट्स में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, किसी का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से कनेक्ट नहीं है, किसी को OTP नहीं आ रहा और किसी को OTP आने के पश्चात लास्ट का जो स्टेप में कंफर्म करते हैं तो उसमें फिर वो स्टेट का नाम मांगता है कि सिटी या स्टेट का नाम आप एंटर कीजिए और फिर वो एडिट नहीं होता। तो इस तरीके के कुछ इश्यू आ रही है और काफ़ी जगह वोटर ID से रिलेटेड इश्यू आ रहे हैं, वो सही कर लिए गए हैं अभी, ठीक है। तो अलग अलग जो इश्यू आ रहे हैं, अगर आपकी टीम को कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप डायरेक्ट एटोमी के कस्टमर केयर में फ़ोन करके बताइए, क्योंकि जब तक आप लोग बताओगे नहीं आप किस स्टेट से है, कौन से स्टेट्स में प्रॉब्लम आ रही है, जो भी KYC से रिलेटेड, आप कंपनी को डायरेक्ट कॉल करके बताइए और वो प्रॉब्लम कंपनी सॉर्ट आउट करेगी। उस पर कंटिन्यूस काम कर रहे हैं मैनेजमेंट टीम, ठीक है। और बहुत अच्छी न्यूज़ इन्होंने आज दी है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, और ये जो न्यूज़ है आप अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा ज्यादा। तो दोस्तों जैसा कि काफी जगह है, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, काफी जगह आधार कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो अभी कंपनी ने यह बोला है कि आप आधार कार्ड से वेरीफाई करना बंद कीजिए, क्योंकि जो सर्वर है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है और जो भी साइट्स है उसके कुछ इश्यूज हैं। तो जो भी मेंबर्स है जिन्होंने कस्ट कंपनी को कॉल किया, मेल किया, फेसबुक पे कमेंट किया, तो इन्होंने डिसीजन लिया है कि आधार कार्ड ऑटो वेरिफिकेशन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स चल रही है तो उसको ये फेस कर रहे हैं, शॉर्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है। बाय द टाइम आप आधार कार्ड यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आपका आधार कार्ड अगर मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है और अगर OTP भी आ रहा है तो लास्ट में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है KYC कंप्लीट करने में, ठीक है। तो आप अभी वोटर ID का फ्रंट एंड बैक वहाँ पे अपलोड कीजिए, लाइसेंस का फ्रंट 2 times आप अपलोड कीजिए क्योंकि पीछे कुछ नहीं होता, और पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक अपलोड कीजिए, और वोटर ID अगर अपलोड कर रहे हैं तो वोटर ID का नंबर आपको डालना है, ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालना है, फिर फोटो अपलोड करनी है, पासपोर्ट अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो पासपोर्ट का पासपोर्ट नंबर आपको वहां पे डालना है, और उसके बाद फ्रंट पेज एंड बैक पेज आपको वहां पे अपलोड करना है। तो आपको यूज़ करना है अभी वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, और ये जो वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आपका एड्रेस ID वेरिफिकेशन कंपनी कर रही है, इसको कंपनी मैन्युअली वेरीफाई कर रही है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 5 दिन 7 दिन
कंपनी ने एक से डेढ़ महीना मैक्सिमम टाइम बोला था, लेकिन अभी तक जैसे पिछले दिनों में खबर आई थी कि 22 जून के बाद जिन लोगों ने वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड किया तो उनका केवाईसी हो गया है। जैसे आज आप अपलोड करते हैं तो कंपनी अपने हैंड से बताएगी इस ग्रुप के माध्यम से आपको कि इतने तारीख से इतने तारीख तक के बीच का वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट जिन्होंने यूज़ किया है उनका केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। तो कंपनी आपको यहाँ पे मैसेज दे रही है बार बार कंटिन्यूस, तो उसमें 5-7 दिन लगेगा, वो मैन्युअली वेरीफाई करेगी एक केक का, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है और कंपनी अपने हैंड से आपको बताएगी कि इतने तारीख से इतने तारीख के बीच का हमने केवाईसी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं जो कंपनी ने अपने हाथ से बताई है। अभी आपको वो आधार कार्ड अपलोड नहीं करना है, अभी उसको होल्ड कीजिए। तो वेरिफिकेशन के लिए आप वोटर आईडी यूज़ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, और कंपनी को 1 वीक या 10 दिन के आसपास आप कस्टमर केयर को कॉल करके पूछ भी सकते हैं कि आपका केवाईसी हुआ कि नहीं, और कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कंपनी अपने ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप के माध्यम से आपको यहाँ पे इंटीमेट कर देगी कि जितनी भी डेट्स हैं उनके बीच का जो केवाईसी है वो मैन्युअली वेरीफाई कर चुके हैं। तो इस ग्रुप के साथ आप बने रहिए, ठीक है। और जो कस्टमर केयर का नंबर है, इस कस्टमर केयर के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जो भी जानकारी आपको कंपनी से चाहिए वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और अभी जो 14 नवंबर 2019 से पहले की आईडी हैं उसमें पहले क्या होता था कि एक पैन कार्ड या एक आधार कार्ड से आईडी लग रही थी, तो ऐसे कुछ यूज़र्स हैं तो उनको जिन्होंने पैन कार्ड वेरीफाई नहीं किया उनको पैन कार्ड वेरीफाई करना पड़ेगा, और आधार कार्ड को अभी यूज़ मत कीजिए, वोटर आईडी आप अपलोड कीजिए, ठीक है। और 14 नवंबर के बाद वालों को तो सिर्फ एक चीज़ अपलोड करनी है यहाँ पे, वोटर आईडी हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। और 14 नवंबर 2019 से पहले जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखा है या नहीं कर रखा है उनको पैन कार्ड कंपलसरी यहाँ पे अब वेरीफाई करना है, ये कंपलसरी है, ठीक है। और उसके बाद एड्रेस आईडी वेरीफिकेशन के लिए वो लोग 3-3 में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और कंपनी ने अपने ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप के माध्यम से बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी है, जैसा कि काफ़ी टाइम से हमारे मेंबर्स हैं, आपके मेंबर्स हैं, जितने भी टीम काम कर रही हैं एटोमी इंडिया के अंदर ना, कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी टीम को बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी डिटेल्स कंपनी आपसे मांग रही है दोस्तों, इससे पहले जो आपका रजिस्ट्रेशन था वो साउथ कोरिया की वेबसाइट पर था, अब एटोमी इंडिया की वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है और एटोमी इंडिया काम कर रहा है, जो IDSA की गाइडलाइंस है, जो भी गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस है, जो भी संस्थाएं यहाँ पे बना रखी हैं MLM नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित जितनी भी संस्थाएं, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सिर्फ वो एटोमी इंडिया फॉलो कर रहा है, और वो सारे रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वेरिफिकेशन तो जरूर करना पड़ेगा दोस्तों। और रही बात डाटा की, तो दोस्तों ये डाटा यहाँ पे 100% सेफ है, सिक्योर है, पिछले 11 साल से ऐसा कुछ भी नहीं आया है किसी भी कंट्री से, ठीक है। तो जो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो वेरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, तो यहाँ पे डाटा बिल्कुल सेफ है, ठीक है, तो उसकी कोई आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगर डाटा सेफ नहीं होता तो आपका पैन कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू ऑटो वेरीफाई नहीं होता दोस्तों, थर्ड पार्टी के थ्रू आपका आधार कार्ड वेरीफाई नहीं होता, तो यहाँ पे डाटा बिल्कुल सेफ है, ठीक है। तो आप जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं एटोमी इंडिया ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप के माध्यम से जो भी, तो उसको आप फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम की KYC कंप्लीट कीजिए, ओके। और आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो और जानकारी आपको यहाँ पे पसंद आई होगी, और इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने टीम के अंदर ताकि आपके जो मेंबर्स हैं उनको सारी चीज़ें पता चले। काफ़ी मेंबर्स हैं जो आधार कार्ड अगर उनके पास है तो वो लोग अभी रुके हुए हैं, उनका कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो ऐसे जो मेंबर्स हैं उनको बोलिए कि वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट आप यूज़ कीजिए, अभी आधार कार्ड मत यूज़ कीजिए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। और जो भी एटोमी इंडिया की मैनेजमेंट टीम है वो डाटा रेक्टिफाई कर रही है, और जो भी बग्स आ रहे हैं वेबसाइट के अंदर वो सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, और जैसे ही सही होगा तो आपको बताया जाएगा कि आधार कार्ड से वेरीफिकेशन अब आप कर सकते हैं। फिलहाल कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है जो कि कंपनी ने यहाँ पर बिल्कुल दिखा रखा है डेफिनेटली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कीजिए, और नेक्स्ट जो लेटेस्ट वीडियो है वो हम आपके लिए लेकर के आएंगे, और टाइम टू टाइम आपके लिए एटोमी से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे अपलोड होते रहेंगे, और आप सारे वीडियोस को देखिए। अगर आपको एटोमी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप नए हैं और इंडिया की सबसे बेस्ट एंड स्मार्टेस्ट टीम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, टीम वॉरियर का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम यहाँ पे आपको सबसे पहले लीडर बनाएंगे, हम कोई भी वादे नहीं करेंगे, सबसे पहले आपको लीडर बनाएंगे, और एक बार आप लीडर बन जाएंगे तो यहाँ पे आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और हम चाहते
चाहते हैं कि आप हमारी टीम में जैसे ही ज्वाइन हो तो हम चाहते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स में ही आप सेल्स मास्टर बने। तो इस तरीके से हमारी टीम डेवलप हो रही है और एक बहुत अच्छा काम चल रहा है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर टीम वॉरियर का। तो दोस्तों अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है एटोमी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।